अलीगढ़ में एक भयानक रात। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, यू आर वाचिंग एस हॉरर इन दी स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल अपनी मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में है। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई थी। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने के बाद सुमन जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना भी कम था। विनोद कार चला रहा था, सुमन और रिया पीछे सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर आगे था। वो अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहां कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दे रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। वो कार के अंदर आके बैठा और सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है, एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं, फिर गाड़ी रुक क्यों गई, देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसे लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते हमें भी तो पता चलता, और वैसे ही रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थीं और वो कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है उस आदमी औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने से एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अनाधुन रफ्तार से
भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, वो औरत और आदमी जिसको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सुमन का फोन बजा। हेलो कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही अर्जुन रास्ते पे खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क कर आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देखकर सुमन और विनोद दंग थे कि क्या हुआ घर में, और अर्जुन ने तो कुछ नहीं बताया। माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया की पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसको साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के लिए कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ ये सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन की थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात को 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज्यादा प्रेम, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय दें ना भूले। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके हमको मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खतरनाक भूतिया कहानी लेकर आते रहें।